संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 के नतीजों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 29 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इसमें उत्तराखंड की सदब चौधरी ने टॉप 25 में 23वीं रैंक हासिल की। उनका IAS के लिए चयन हुआ है। खास बात यह है कि सदब ने यह मुकाम बिना ही कोचिंग किए हासिल किया है। इस दौरान रुड़की से हमारे संवाददाता नसीम मलिक ने सदब चौधरी से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो एक नारा है बेटी पढ़ाओ, उसको साकार किया है रुड़की की एक बेटी ने, सदब चौधरी ने, जिन्होंने UPSC में अभी 23वां अंक प्राप्त किया है, 23वां स्थान प्राप्त किया है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं, क्या इस पूरे कार्यकाल में क्या मेहनत रही है, इसके पीछे किसका हाथ रहा है, आइए खुद उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में सदब चौधरी जी। थैंक यू सो मच। चौधरी जी, आपने UPSC में 23वां स्थान प्राप्त किया है, तो किस तरह की तैयारी आपकी रही है? सर, मैं घर पे रह के तैयारी करती थी। 2 साल मैंने तैयारी की और बुक्स से पढ़ती थी मैं, बाकी अपने नोट्स बनाती थी मेंस के लिए, और जनरली इंटरनेट से मुझे कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ से हेल्प ले लिया करती थी, बट मोस्टली 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करना ही मेरा मंत्र था। जानकारी ये भी मिली है कि आपने बिना कोचिंग के आप यहाँ तक पहुँची, ये कामयाबी हासिल की है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी है? मेहनत तो आई थिंक कोचिंग करेंगे आप तब भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेहनत होती है जो आपको अलग खड़ा करती है किसी भीड़ से। तो मेहनत की वही 8-10 घंटे और लगातार 2 साल पढ़ना, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लो फेज आते हैं, हाई फेज आते हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि आप मुस्लिम समाज से आती है और मुस्लिम समाज में अक्सर करके देखा गया है बेटियों को कम शिक्षा दी जाती है, ज़्यादातर घर में ही रोका जाता है, तो आपने अपनी मेहनत के बल पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आप अपने ओर से मुस्लिम समाज के लिए, उनकी बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज के लिए मेरा संदेश ये होगा कि आप अंतर ना करें बेटे और बेटियों में, सबको बराबर मौका दें, क्योंकि आपका कोई भी अच्छा बच्चा कहीं से भी निकल सकता है। और बेटियों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी लगन से, मेहनत से पढ़ते रहिए। फ़ाइट्स हैं, बहुत फ़ाइट्स हैं मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप अपना एक हौसला नहीं छोड़ेंगे और आप करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो आप भी, मैं भी, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। अपनी इस पूरी कामयाबी के पीछे किसको मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं? डेफिनेटली मेरी फैमिली को, क्योंकि सभी लोगों के पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी किया, हमेशा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो मेरी फैमिली को उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो ये थी हमारे साथ में सदब चौधरी। इनका खास तौर से, साफ तौर से कहना है कि मुस्लिम समाज को भी चाहिए अपनी बेटियों को जितना हो सके पढ़ाए, क्योंकि सरकार का, हमारी PM जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी एक नारा है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। मैं TV1 इंडिया के लिए रुड़की से नसीम मलिक। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट।